नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज आपके लिए एक जॉब अपडेट लेके आया हूँ और ये आ रही है रेलवे की तरफ से। रेलवे ने एक बहुत ही बड़ी बम्पर भर्ती निकाली है जिसमें टोटल वैकेंसी है 14,033 और 13,000 प्लस वैकेंसी सिर्फ जूनियर इंजीनियर की हैं, जिसमें डिप्लोमा और बीटेक वालों ने अप्लाई करना है। तो अगर आपके पास डिप्लोमा या फिर बीटेक है तो आप इन पोस्ट के लिए ज़रूर अप्लाई करें और मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें और इन पोस्ट के लिए जरूर अप्लाई करें। रेलवे ने इन पोस्ट को तीन कैटेगरी में बांटा है, जेई, डीएमएस, सीएमए। तो अभी हम डिटेल में देख लेते हैं कि इन पोस्ट के लिए हमको कैसे अप्लाई करना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। रेलवे ने इन पोस्ट को तीन कैटेगरी में बांटा है। पहला और जो दूसरा सीरियल नंबर है ये जूनियर इंजीनियर के लिए है। 13,034 पोस्ट जूनियर इंजीनियर के लिए हैं और जो दूसरे नंबर पे है जूनियर इंजीनियर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए है 49 पोस्ट और तीसरे नंबर पे डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट के लिए है 456 पोस्ट और 494 पोस्ट हैं केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट के लिए और जो टोटल पोस्ट हैं वो है 14,033। अभी हम एज देख लेते हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 33 साल होनी चाहिए, यानी आपकी एज 33 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें जो आपको पे स्केल मिलेगा वो 35,400 मिलेगा और इसमें अलग से अलाउंसेस ऐड होंगे, यानी आपकी सैलरी 50,000 के अराउंड हो जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। पहली पोस्ट जूनियर इंजीनियर के लिए आपके पास डिप्लोमा या फिर डिग्री होना चाहिए इन रेलिवेंट डिसिप्लिन में, यानी आप जिस पोस्ट में अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट में किस ब्रांच में डिप्लोमा या फिर डिग्री मांगी हुई है तो वो आपके पास होना चाहिए। इसकी पूरी डिटेल आरआरबी ने अपनी साइट पे अपलोड कर दी है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप इसको चेक कर सकते हैं। दूसरी पोस्ट डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट के लिए आपके पास डिप्लोमा या फिर डिग्री होना चाहिए इन एनी डिसिप्लिन में, यानी अगर आपके पास किसी भी ब्रांच में डिप्लोमा या फिर डिग्री है तो आप बी पोस्ट डिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी पोस्ट जूनियर इंजीनियर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए PGDCA, BSc, BCA, BTech होनी चाहिए आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या फिर BTech होनी चाहिए आपके पास कंप्यूटर साइंस में तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट के लिए आपके पास बैचलर डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री और मिनिमम आपके मार्क्स होने चाहिए 45%। इस गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए आपको दो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने होंगे, CBT 1 एंड CBT 2। अगर आप CBT 1 टेस्ट क्लियर कर जाते हैं तभी आप CBT 2 टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर पाओगे और ये CBT 1 टेस्ट आपका अप्रैल या फिर मई के महीने में होगा। इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा। अगर आप मेडिकली फिट हैं तो आपकी गवर्नमेंट जॉब पक्की है। तो अभी फीस देख लेते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए फीस है 500 रुपीज़ और इस 500 रुपीज़ में से 400 रुपीज़ आपके रिफंड हो जाएंगे जब आप पहला कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देंगे और दूसरा SC ST के लिए जो फीस है वो है 250 रुपीज़ और इसमें से ये 250 रुपीज़ आपके रिफंड हो जाएंगे जब आप पहला कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की जो ओपनिंग डेट है वो है 2 जनवरी 2019 और रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट है 31 जनवरी 2019 और फीस भरने की जो क्लोजिंग डेट है वो ऑनलाइन, जो अगर हम फीस भरेंगे तो नेट बैंकिंग या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड से भर सकते हैं या फिर आप UPI ID से भर सकते हैं और इसकी जो लास्ट डेट है ऑनलाइन फीस सबमिट करने की वो है 5 फरवरी 2019 और अगर आप ऑफलाइन फीस भरोगे तो SBI बैंक चलान या फिर पोस्ट ऑफिस चलान के साथ भर सकते हो और इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो है 4 फरवरी 2019। तो ये कुछ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और उनकी वेबसाइट्स हैं। जो भी बोर्ड आपकी सिटी के नज़दीक पड़ता है आप उसकी वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि अगर आपका कोई फ्रेंड इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता हो तो ये इन्फॉर्मेशन वहाँ तक पहुँच सके। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।